हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th साइंस का जो चैप्टर नंबर 8 है मोशन, उसका लेक्चर नंबर 2। सो आज के इस लेक्चर में हमारा मेन टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम पूरा का पूरा टॉपिक लर्न करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड, जो भी सारी चीजें है उसको हम डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट जो आपको फिजिक्स में पता होना चाहिए, दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो उसको देख लेते हैं पहले, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या बेसिकली, तो देख लेते हैं उसका डिफरेंस। स्केलर क्वांटिटी और यहां पे लिख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ सी स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, इट इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज वैल्यू but not direction। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन मैटर नहीं करता, सिर्फ उसका वैल्यू जो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वही मैटर करता है। इसमें इट इज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीजें जरूरी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब इसके एग्जांपल्स देख लो, स्केलर क्वांटिटी इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, एनर्जी, ठीक है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है सारी फिजिक्स में, कि इन सब चीजों में सिर्फ वैल्यू है उनकी वही मैटर करती है। मान लो टाइम, तो टाइम इज ऑलवेज लाइक 3 सेकंड, राइट, इट इज नॉट लाइक -3 सेकंड, टाइम को हम नेगेटिव नहीं बताते। एरिया जो रहता है वो एरिया हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, राइट। सो लाइक दैट एरिया है, डिस्टेंस है, वो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो तभी ये सारी बातें क्लियर होगी कि क्यों इन सब चीजों को स्केलर क्वांटिटी बोला है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता, डायरेक्शन विल बी शोन बाई साइन, ठीक है, प्लस माइनस की साइन से हम डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं, जो हम वेक्टर में लेंगे, नॉट इन स्केलर। ओके, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, देन यू कैन कंसीडर फोर्स, मोमेंटम, फिर प्रेशर, ठीक है। सो लाइकवाइज यू कैन कंसिडर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज इन वेक्टर एज वेल, ठीक है। इन सब चीजों में क्या रहता है, उनका डायरेक्शन मैटर करता है। फोर्स है तो फोर्स आप 5 न्यूटन फोर्स लगाओ तो उसका डायरेक्शन भी मैटर कर रहा होगा कि आप कौन सी डायरेक्शन में फोर्स को लगा रहे हो, ठीक है। सो इन सब ये सब है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे आगे। बट आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलिए तो आगे हेडिंग लगाते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता क्या है, चलिए देखते हैं। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ, और या तो फिर ऐसे लिख लो, लेंथ ऑफ पाथ
ठीक है, तो डिस्टेंस इज एक्चुअली द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच इट इज मूविंग. तो डिस्टेंस क्या है बेसिकली, इट इज द टोटल पाथ लेंथ. ठीक है, इट इज टोटल पाथ लेंथ. डिस्टेंस का दूसरा नाम क्या है, पाथ लेंथ. कभी पाथ लेंथ पे लिखा हो तो क्या है वो, डिस्टेंस है. राइट, तो डिस्टेंस इज एक्चुअली द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन. वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो मैटर नहीं करता. अगर डायरेक्शन मैटर नहीं करता देन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. बढ़िया, डायरेक्शन मैटर नहीं करता, डेफिनेशन में ही लिखा है हमने. सो इट इज स्केलर क्वांटिटी. एसआई यूनिट इज मीटर. ठीक है, एसआई यूनिट क्या है इसका, मीटर. अभी देखो एग्जांपल, मान लो कि लेट पॉइंट एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए, या तो फिर लिख लो पॉइंट ओ टू ए बी सी और डी लिख लो. ठीक है, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ओ पे रखा है हमने और वो ए बी सी और डी ऐसे ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, एज शोन. फाइंड द टोटल डिस्टेंस. तो मान लो कि ऐसे कंसिडर कर लो, यहां पे पॉइंट ओ है, फिर वो ऐसे गया, ये पॉइंट ए है, फिर ऐसे गया मान लो पॉइंट बी है, फिर ऐसे ये सी और ये डी. मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरह ट्रेवल कर रहा है, मान लो ये 15 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये मान लो 20 मीटर है. इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं. चलो ऐसे कोई एग्जांपल हमने कंसीडर कर लिया. ठीक है, तो अभी देखो हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो पहले ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, फिर वो ऊपर जा रहा है इस डायरेक्शन में. तो यहां पे हमने लिखा है डायरेक्शन मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ जोड़ देना है, जो भी डिस्टेंस रहा आपको सिर्फ उसको एड ऑन करना है. राइट, सो टोटल डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 20. सो इट विल बी लाइक सी 15 प्लस 5 20, 20 और 20 40 और ये प्लस 10, सो दिस विल बी 50 मीटर. से पूरा रास्ता है ओ से ए तक, ए से बी तक, बी से सी और सी से डी. ये पूरा जो रास्ता है वो कितना है, 50 मीटर का. सो इट इज एक्चुअली द पाथ लेंथ. अब जिस पाथ पे मूव कर रहे हो उसका टोटल लेंथ, दैट इज पाथ लेंथ. ओके, सो ये हो गया डिस्टेंस का बेसिक सा आइडिया. ठीक है, फंडामेंटल्स से. तो डिस्टेंस बेसिकली क्या है कि वो टोटल पाथ लेंथ है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैटर नहीं करता. अगर डायरेक्शन मैटर करता तो ये चीज और ये चीज हमारे लिए दोनों डिफरेंट रहती. ठीक है, बट इट इज नॉट लाइक दैट. चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं. चलिए अगला हेडिंग लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट. तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम गिवन पोजिशन
another position. Basically displacement होता क्या है कि जब भी कोई पोजीशन में चेंज आए तब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट होना जरूरी है। सो इट इज बेसिकली द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसको मेजर कैसे करेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ shortest path measured in the direction of initial point to the final point। या तो फिर position लिख लो, इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। से डिस्प्लेसमेंट परफेक्टली क्या होता है? इट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। से डिस्टेंस में हमने क्या बोला था कि पूरा रास्ता जो कवर होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या बोला? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो इसमें डायरेक्शन मैटर करता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। दोनों का ऐसा यूनिट क्या रहेगा? सेम रहेगा, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट में आपको मेन चीज क्या है? इट इज लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। मेन चीज क्या रहेगी? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एक छोटा सा। लेट एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम कहां से? ओ टू बी थ्रू ए। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ओ से स्टार्ट करके बी तक जा रहा है वाया ए, ठीक है। ए से होके जा रहा है। मान लो कि यहां पे पॉइंट ओ है, फिर वो वहां से गया ए पे और फिर गया वहां से बी, ठीक है। सो मान लीजिए कि ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे आसान सवाल कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए, ठीक है। फिर हम कुछ सवाल करेंगे लेटर ऑन। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अगर हमें इस केस में फाइंड आउट करने हैं, तो यहां पे देखो क्या होगा। पहले ओ से ए गया ऑब्जेक्ट, ओ से ए तक, फिर ए से बी गया, तो इसका डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ से ए प्लस ए से बी, सो दैट इज 3 मीटर प्लस 4 मीटर, सो आंसर विल बी 7 मीटर। सो देखो डिस्टेंस तो मिल गया हमें 7 मीटर। अभी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहां पे देखो सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? सबसे छोटा रास्ता ओ से बी जाने के लिए, तो डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर दो। अगर यहां से यहां जाए, ठीक है, ओ से बी तक डायरेक्टली, तो ये बनेगा सबसे छोटा रास्ता। यहां पे राइट एंगल है, तो अगर हमें ओ भी निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? ओ बी। तो बेसिकली ओ बी क्या है? दैट इज अंडर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर।
ठीक है, शायद आपको ये पता होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैथ्स में पढ़ा होगा, राइट। हाइपोटेनियस निकालने का तरीका है ये, ठीक है। ये हाइपोटेनियस है, ये दोनों साइड है जो राइट एंगल बना रही है, तो उनके तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो पाइथागोरस थ्योरम है। तो उससे हम OB का वैल्यू आसानी से निकाल सकेंगे। सो OA स्क्वायर, सो OA स्क्वायर कितना है, 3 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, सो दैट इज 4 स्क्वायर। सो बेसिकली दिस विल बी 9 प्लस 16, सो ये आ रहा है √25, ठीक है। तो OB का वैल्यू कितना आएगा, OB विल बी इक्वल टू 5 मीटर, विच इज डिस्प्लेसमेंट। वो भी 5 मीटर है, वो क्या एक्चुअली, विच इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहां पे देखो डिस्टेंस 7 मीटर आ रहा है, वो भी डिस्प्लेसमेंट है, 5 मीटर आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, क्लियर रखो, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता, वो आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल के देगा। मान लीजिए कि ये हम कोई रैंडम फिगर बना लेते हैं, ठीक है, अभी हमने जो बनाई थी, ठीक है, यहां से यहां, यहां से यहां। तो सबसे छोटा रास्ता इस केस में कौन सा था, ये वाला। अगर हमें ये लेंथ पता चल जाए, ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल में हमने कंसीडर किया था डिस्टेंस में, ये अगर हमें ए टू बी ये लेंथ पता चल जाए, तभी हमने यहां पे ओ लिखा था, राइट, और यहां पे फाइनल पॉइंट था डी। तो वो सबसे छोटा रास्ता होगा पहुंचने के लिए, ठीक है। मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि आपको अपने दोस्त के घर जाना है, ठीक है, आपको अपने के दोस्त के घर जाना है, तो दोस्त के घर आप कैसे जाओगे, ठीक है, ऐसे रोड से होते हुए, फिर दोस्त अगर किसी सोसाइटी में रहता है तो उसके घर ऐसे स्ट्रीट्स में निकल के, ठीक है, गली में से निकल के आप उसके घर तक जाओगे। तो इट इज द मोशन लाइक दिस, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, इट इज लाइक दिस, ओके। तो वो आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है, वो आपका क्या हो रहा है, डिस्टेंस कवर हो रहा है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके घर की छत से, दोस्त के घर की छत पे एरोप्लेन लेके जा रहे हो, ठीक है, डायरेक्टली यू आर ट्रेवलिंग लाइक दिस, यहां से प्लेन लेके निकले। सो इट इज द डायरेक्ट कनेक्शन विच विल गिव यू द शॉर्टेस्ट पाथ। सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में इतना फर्क है। एक और चीज आगे देखते हैं, एक एक्टिविटी टाइप थोड़ा देखते हैं कि जिससे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और अच्छी तरह से क्लियर कर सके। तो जल्दी से उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये मत करना, ठीक है, बाकी की चीजें जो सारी लिखी है वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलिए, तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है फॉर द गिवन मोशंस, ठीक है। यहां पे देखो एक सिंपल सा डायग्राम बनाया, ए बी सी और डी। ए बी का जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर, फिर बीसी का जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर और सीडी का जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर, मान लेते हैं। सो यहां पे मैंने चार मोशन रखे हुए, ठीक है, उन चारों केस में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहला मोशन देखो, ए टू बी, बी टू सी, देन सी टू डी। तो इसमें टोटल डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट विल बी टोटल डिस्टेंस, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, सो दैट विल बी 10 प्लस 5 प्लस 20, सो बेसिकली इट विल बी 35, वो क्या होगा 35 मीटर पूरा ए से डी तक का, ए से बी से सी, सी से डी, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा, अभी हमें देखो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी नीड टू अज्यूम सम डायरेक्शन। तो हम मान लेते हैं कि अगर इस तरफ हम मूवमेंट करें तो पॉजिटिव, और अगर उल्टी तरफ जाए तो हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ये डायरेक्शन हमें लेनी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। अगर इस तरफ आप पॉजिटिव कंसीडर करो तो दूसरी तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। मान लो कि अगर मैं इस तरफ पॉजिटिव रखू तो वो मुझे नेगेटिव कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी का कंसेप्ट। यूजुअली हम जो राइट साइड रहता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी वैसा ही रहता है, इस तरफ x, ये x डैश, तो हम इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव बोलते हैं। सो यूजुअली हम क्या करते हैं, नंबर लाइन देख लो, नंबर लाइन में भी ऐसा ही रहता है, ये जीरो, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। तो
तो यूजुअली हम साइन कन्वेंशन इस तरह से कंसिडर करते हैं। अगर आप इसको पॉजिटिव बोलो और इसको नेगेटिव, देन वो गलत नहीं होगा बट वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। चलिए तो अभी सॉल्व करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। सी ए टू बी, सो इस तरफ आ रहा है, सो प्लस ए बी, बी से सी, सो पॉजिटिव बी सी, सी से डी इस तरफ आ रहा है, सो सी से डी, तो ये भी क्या होगा 10 प्लस 5 प्लस 20, सो दिस इज ऑल्सो 35 मीटर। सो इस केस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। अभी सेकेंड मोशन का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बी टू सी, सो बी से सी कितना होगा, बी सी, फिर सी से डी, सी से डी, फिर डी से ए तक, यहां से लेके यहां तक, तो पूरा डिस्टेंस कितना होगा 35 बी से ए तक का। तो सी हम डायरेक्शन डिस्टेंस के केस में ये प्लस माइनस नहीं लेना है, ठीक है, डिस्टेंस के केस में प्लस माइनस नहीं लेना है। देखो बी सी, बी सी यानी 5, सी से डी सो दैट इज 20 और डी से ए दैट इज 35, सो दिस विल बी 60 मीटर। तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल पाथ लेंथ कितना कवर हुआ, ये 5, ये 20, ये 35, ठीक है, सो दैट इज 60 मीटर। सो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो रहा है, टोटल 60 मीटर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट चेक करो, बी से सी, ठीक है, बी से सी, सो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव बी सी, फिर सी से डी, सी से डी इस तरफ आए हम, पॉजिटिव सी डी, फिर डी से ए, डी से ए इस तरफ जा रहे हैं, डी से ए, सो नेगेटिव। तो समझ आया कि हमने नेगेटिव साइन क्यों लिया यहां पे, क्लियर है, डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। बी से सी, सो इस तरफ आ रहे हैं, सो प्लस 5, सी से डी, सो प्लस 20 और डी से यहां तक माइनस 35, सो दिस विल बी 25 माइनस 35, सो आंसर विल बी माइनस 10 मीटर। देखो यहां पे नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि आपकी स्टार्टिंग जो पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, बी, सो बी से आप अभी नेगेटिव 10 के डिस्टेंस पे, नेगेटिव यानी लेफ्ट साइड 10 के डिस्टेंस पे हो, यस वी आर, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट से आपको एग्जैक्ट लोकेशन, फाइनल और इनिशियल के बीच में जो डिफरेंस है सॉरी वही आपको मिल जाएगा, ठीक है, फाइनल और इनिशियल के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको मिल जाएगा, क्लियर है। सो दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, सी बी से शॉर्टेस्ट पाथ है ये, ठीक है, और वो लेफ्ट साइड है इसलिए नेगेटिव साइन भी आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं सी डी और बी, सी से डी आओ तो सी डी, और डी से बी जाओ, डी से बी, डी बी, तो सी डी कितना है, सी से डी तक वो है 20 और डी से बी तक कितना है 25, तो ये हो गया 45 मीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस बहुत ही आसान है, डिस्टेंस इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, डिस्टेंस इज ऑलवेज एडिटिव, हमेशा ऐड करना है आपको, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देख लो, डिस्प्लेसमेंट सी से डी, सो इस तरफ आए, पॉजिटिव सी डी, डी से बी इस तरफ जा रहे हो, नेगेटिव, सो सी डी दैट इज इक्वल टू 20 मीटर और नेगेटिव हो रहा है वो 25, सो दिस इज माइनस 5 मीटर। सो आप देख सकते हो इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल, उसमें आप नेगेटिव 5 के साइड खड़े हो अभी, सो आ रहा है नेगेटिव 5, क्लियर हो रहा है, बढ़िया। सो सी ए डी लास्ट देख लेते हैं, सी ए डी, चलिए सी से ए प्लस ए से डी, ए से डी, सो हम सी से ए ट्रेवल कर रहे हैं, सो वो हो रहा है 15 और ए से डी तक का 35, सो बेसिकली इट इज 50 मीटर इन द लास्ट केस। टोटल पाथ लेंथ कितना कवर किया, सी से ए गए 15 मीटर, ए से डी आए 35 मीटर, 15 और 35 50 हो गए। अभी लास्ट देख लो, लास्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सबसे पहले आप सी से ए जा रहे हो, सी से ए तो नेगेटिव है, सो माइनस सी ए इस तरफ गया, नेगेटिव है माइनस सी ए, ए से डी आ रहे हो यहां से लेके यहां तक, सो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, सो माइनस सी ए, सी ए कितना है 15 और एडी, एडी कितना है 35, तो 35 में से 15 को काट दो, ये हो जाएगा 20, सी इट इज पॉजिटिव, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, बढ़िया।
तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वैल्यू सेम आ रहा है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। मान लो एक और एग्जांपल कंसीडर कर लो, फिफ्थ एग्जांपल, बी सी डी और बी, मान लो एक और एग्जांपल हम ले ले, ठीक है, बी सी डी और बी, बी से सी गए तो डिस्टेंस क्या होगा, बी सी प्लस सी डी प्लस डी से बी अगेन, तो ये हो रहा है 5 प्लस 20 प्लस 25, ये हो रहा है 50 मीटर। तो देखो B से C, C से D और D से वापस B गए, तो 5, 20 और 25, ठीक है, तो टोटल कितना आया 50 मीटर। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा, व्हाट विल बी देयर इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, B से C आओ तो पॉजिटिव होगा ये, फिर C से D आओ तो वापस पॉजिटिव होगा, D से B गए तो वापस तो इस बार नेगेटिव होगा, लेफ्ट साइड जा रहे हो D से B, तो ये होगा 25 और माइनस 25, तो ये होगा 0 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर का क्या मतलब है कि आप वहीं के वहीं वापस लौट के आ गए, ठीक है, B से स्टार्ट किया था B में लौट के आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट अ चेंज इन द पोजिशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको क्या देता है, पोजीशन में चेंज देता है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी होगा, बट डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा, कोई भी वैल्यू उठा के कंपेयर करके देख लो, ठीक है, यहाँ पे देखो डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डिस्टेंस के बराबर हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एग्जांपल था, इसमें हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर है, डिस्टेंस क्यों स्केलर है, ठीक है। तो जल्दी से ये एक्टिविटी, ये एग्जांपल जो भी बोलो आप अपने कॉपी में लिख लो, क्योंकि ये बहुत आसान सी चीज है, आपको बहुत हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कॉन्सेप्ट को, इट इज वेरी हेल्पफुल, राइट। चलिए लिख ले इतना, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो इसको। चलिए तो लास्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था जो हमने देखा अभी, कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या उससे कम वैल्यू हो सकती है उसकी, ठीक है। सो इसमें से हम दो कंक्लूजन लिख सकते हैं ऐसे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का जो रेशियो है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वन आएगा, ठीक है, या तो फिर यू बोल लो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, उसका रेशियो हमेशा वन से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मेट में अगर आपको वन मार्क और एमसीक्यू शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछ ले तो आंसर सही से लिखना, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि डिस्टेंस इज एडिटिव इन नेचर, सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि उसका नेचर एडिटिव है इसलिए डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। Displacement can be negative, zero या तो फिर positive। अगर same position, initial और final position same रही तो displacement का value कितना आएगा, zero आएगा। अगर वो left side जाके खड़ा हो गया तो negative आएगा, अगर right में हो initial position से final position right में हो तो वो positive होगा, ठीक है। अभी तीसरा देख लो, If an object is traveling in a straight line and only in one direction, ठीक है, object है वो एक
स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, मान लो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो सेम डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रहा होगा, ठीक है, एंड ओनली इन वन डायरेक्शन, देन इन सच केस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम आएगा, देन इन सच केस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, दोनों का आंसर 35 मीटर 35 मीटर आ रहा था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछेंगे ये सारी बातें, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़िया सा लिख लेना, ठीक है, नोट्स नोट्स लिखते रहना साथ में, नोट्स लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पढ़ाई के टाइम, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड जो भी सारे कंसेप्ट थे कोर कंसेप्ट उसको क्लियर किया, एग्जांपल से उसको समझा, ठीक है, अगले लेक्चर में हम कुछ बढ़िया सवाल सॉल्व करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड, ठीक है। सो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।